और भाई कैसा है? मैं तो अच्छा हूँ भाई, तू बता। यार मैं सोच रहा था एक गेमिंग चैनल खोलने के बारे में, बट मैं उसमें अपना फेस नहीं दिखा सकता। क्या तेरे पास कोई तरीका है जिससे मैं अपना फेस भी ना दिखाऊं और मेरा गेमिंग चैनल चल जाए? हाँ भाई, एक तरीका है ना, जिससे तू अपने फेस की जगह इस तरह की कैरेक्टर एनिमेशन यूज कर सकता है जो कि तुम्हारे हर एक एक्सप्रेशन को ट्रैक करेंगे, और फिर तुम चाहो तो उनसे किसी भी तरह की वीडियो बना सकते हो, जैसे कि गेमिंग वीडियोस। बबलू बस मुझे एक बार रिवाइव कर दे, फिर देख इनकी पूरी स्क्वाड की तो मैं कॉमेडी स्केचेस। रुक जोक सुनाती हूँ। अबे एक बार एक चींटी हाथी का कच्चा चुरा लेती है और उससे कैंप लगा के कैंप फायर करके अपने दोस्तों के साथ माल फूंकती है। एक्सप्लेनर वीडियोस। दोस्तों आप मेरे पीछे जो नर देख रहे हैं, ये मादा को आकर्षित करने के लिए गिटार भी बजाना सीख लेते हैं, और तू चाहे तो कैसी भी वीडियो बना सकता है, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप से। बट तुझे ये इतनी सारी चीजें बताता कौन है? अरे मैंने रचित सिंह को सब्सक्राइब करके जो रखा हुआ है। पर अब मुझे ये तो बता, मुझे करना क्या होगा? हाँ बताता हूँ ना, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ दो टेक्निक्स। पहले के लिए तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए। अब सबसे पहला तरीका है, अगर तुम्हारे पास है फोन, खास करके सैमसंग या फिर आईफोन। अब ये दो डिवाइस ही क्यों, क्योंकि इसी फोन में तुम्हें मिल जाते हैं AR इमोजीज और एनिमोजीज, और हम इन्हीं का यूज करके एनिमेशन बनाएंगे। अब मैं कितना भी ट्राई कर लूं, मैं अपने एक्सेंट पर वापस नहीं आ पा रहा। ये सब कुछ मेरा रील देखने की वजह से हुआ है। अब मैं यहाँ पर सैमसंग फोन के AR इमोजी यूज कर सकता था, बट ना तो मेरे पास सैमसंग फोन है और एप्पल में एनिमोजीज ज्यादा अच्छे हैं। नहीं मैं एप्पल फैन बॉय नहीं हूँ, बट एप्पल में आपको मिल जाती है फेस आईडी, जो कि आपके फेस 3D ट्रैक करती है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलता है 3D डेप्थ सेंसर, जो कि तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस को अच्छे से ट्रैक कर पाएगा। उसकी मदद से एनिमोजीज ज्यादा अच्छे से ट्रैक हो पाते हैं तुम्हारे AR इमोजीज के मुकाबले। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। अब ये टेक्निक मैं भी पहले यूज करता था एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए। तुम इसी चैनल की पुरानी वीडियोस देख सकते हो। आप देख रहे हैं टेक्निकल ससुर जी, चलिए शुरू करते हैं। और बहुत लोगों ने पूछा भी कि तू ये कैसे बना रहा है भाई। अब इन सब के लिए तुम्हें एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है आईफोन में, जो कि है क्लिप्स, और ये ऑफिशियल एप्पल की ऐप है। अब यहाँ पर तुम अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो, बट इसका स्पेशल फीचर है यहाँ स्टार के पास, स्टार, और यहाँ पर सबसे लेफ्ट में तुम आ जाओगे, यहाँ पर तुम्हें दिखेगा एनिमोजी वाला आइकन, और यहाँ पर तुम कोई भी फेस यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं ये चूहे वाला कर लेता हूँ। तो इस तरह से तुम जो भी बोलोगे वो ये ट्रैक कर पाएगा, और ये इतने अच्छे से ट्रैक करता है कि ये तुम्हारा ब्लिंक, जीभ निकालना, ऐसे हेड मूव करना, सब कुछ करेगा। तुम यहाँ से बहुत सारे कैरेक्टर्स चूज कर सकते हो, जैसे कि ये बंदर वाला, और ये बैक कैमरे में काम नहीं करेगा, ये सिर्फ फ्रंट में काम करेगा, क्योंकि ये यूज करता है तुम्हारा फ्रंट 3D डेप्थ सेंसर, जो फेस आईडी के लिए यूज होता है वो ही कैमरा। अब इसको यूज करके वीडियो कैसे बना सकते हैं? सबसे पहली बात, यहाँ पर तुम इन एनिमल कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर अपना एक कैरेक्टर बनाया हुआ है। तुम इस तरह से अपना कोई भी कैरेक्टर बना सकते हो। अभी बताऊंगा कैसे इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। अब जैसे ही तुम यहाँ पर इसको रिकॉर्ड बटन दबाओगे और ऊपर कर दोगे, ये लॉक हो जाएगा। अब तुम कुछ भी कह सकते हो और ये उस चीज को रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ पर तुम इस तरह की वीडियो इजिली बना सकते हो, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हें पता है क्या यूज करना है। बट अगर तुम्हें बैकग्राउंड कुछ अलग यूज करना है, तो तुम पीछे लगा सकते हो ग्रीन स्क्रीन और फिर इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, और फिर किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके उसमें से ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके अपना बैकग्राउंड कुछ भी लगा सकते हो। मैं ऐसे ही करके वीडियोस बनाया करता था पुरानी, और ये क्लिप्स ऐप अब अपडेट हो गई है। पहले सिर्फ स्क्वायर में बनाती थी वीडियोस, बट अब यहाँ पर तुम्हें एस्पेक्ट रेशियो बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसी वीडियो बनानी है तो तुम इस तरह से भी ट्रैक करके कर सकते हो। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ग्रीन स्क्रीन के सामने, और फिर तुम इजिली ये बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, एंड तुम्हारा फाइनल वीडियो बनके तैयार हो जाएगा। बट अब बात कर लेते हैं तुम्हें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स कैसे बनाने हैं। उसके लिए तुम्हें जाना होगा मैसेजिंग ऐप में। अब यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे एनिमोजी का। अब तुम्हें जाना है सबसे लेफ्ट में, तुम्हें यहाँ पर कैरेक्टर दिख रहा होगा जो मैंने बनाया हुआ है, बट यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा एक प्लस का आइकन, इस पर टैप करो। अब यहाँ पर तुम इजिली कैरेक्टर बना सकते हो। मैं जल्दी जल्दी रफ बना के दिखा देता हूँ। इसमें तुम बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि एक कैरेक्टर ले लिया, हमारा स्किन टोन ये हो गया इसमें। फिर आ जाते हैं हम हेयर स्टाइल में, हेयर स्टाइल में ब्लैक कलर। नीचे तुम आ जाओगे, ये तुम्हें इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तुम कोई भी चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये बिल्कुल स्नैपचैट के अवतार जैसा है। यहाँ पर भी तुम बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम यहाँ पर एड हाइलाइट्स भी कर सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ पर्पल इस तरह से। फिर यहाँ पर आईब्रोज को तुम चेंज कर सकते हो इस तरह, आईज का कलर तुम चेंज कर सकते हो, ये कर दिया हमने।
है थोड़ा सा ग्रीन। हेड शेप तुम चेंज कर सकते हो, यहाँ पर तुम एज सिलेक्ट कर सकते हो, झुर्री आ जाएंगे अगर तुम ज्यादा एज कर देते हो। तो यहाँ पर एज हमने ये बीच वाली सिलेक्ट कर ली। शेप तुम चूज कर सकते हो, इसको कुछ लिपस्टिक लगा सकते हो माउथ पर। यहाँ पर दांत में भी तुम देख सकते हो कैसा करना है। फिर फेशियल हेयर, अब ये लड़की है तो यहाँ पर मैं दाढ़ी नहीं लगा रहा। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें दाढ़ी के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आई वेयर, ग्लासेस का भी कलर चेंज कर सकते हैं और लेंसेज का भी कलर तुम चेंज कर सकते हो इस तरह से। फिर हेड वेयर में तुम इसको टोपी पहना सकते हो, उसका भी तुम कलर चेंज कर सकते हो इस तरह। और अब तुम्हें यहाँ पर क्लोदिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है जो पहले नहीं था जब मैं बनाया करता था। तो यहाँ पर तुम इसका ड्रेस और ये सब भी चूज कर सकते हो इजीली। और यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारा कैरेक्टर कैसा बना है, कुछ इस तरह का कैरेक्टर बना है हमारा ये। अब इन एनिमोजी स्टिकर्स को तुम कहीं पर भी यूज कर सकते हो, या फिर तुम अपनी क्लिप्स ऐप में जब वापस आओगे और स्टार पे क्लिक करोगे यहाँ पर तुम्हें दूसरा अपना कैरेक्टर मिल जाएगा और इस तरह तुम अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो किसी भी कैरेक्टर में। ये बहुत दूर से भी इजीली हो जाता है, बट तुम अपने आप को पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा जो 3D कैमरा है वो तुम्हारे पास होना चाहिए, बट इतनी दूर से भी ये इजीली कर ले रहा है तो ये गुड है। ऊपर से क्लिप ऐप का ये फायदा है कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स नीचे यहाँ पर चली जाएगी टाइमलाइन की तरह। जैसे ही तुम इसको प्ले करोगे यहाँ पर तुम्हारी रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके बाद जो तुमने नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करी है वो शुरू हो जाएगी। तो तुम्हें यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा अपना जो भी तुम रिकॉर्ड करना चाहते हो वो मिल जाएगा। उसके बाद एक और अच्छा फीचर है कि तुम एक वीडियो पे क्लिक करो बट अगर तुमने गलती से दूसरा कैरेक्टर यूज कर लिया है तो तुम यहाँ पर इफेक्ट में जाओ, रिकॉर्ड हुई वीडियो में से तुम अपने कैरेक्टर का फेस चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब ये कैरेक्टर ये हो गया, इसको मैं इजीली ये वाला कैरेक्टर बना सकता हूँ। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत है। और जैसे ही तुम शेयर वाले बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पर तुम्हें सेव वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा और अब ये वीडियो को सेव कर रहा है। अरे अरे थैंक्स मत बोलो यार, और वो वीडियो हमारी लाइब्रेरी में ये आ चुकी है। और इस तरह से तुम अपना कैरेक्टर इजीली बना सकते हो। अब सेकंड टेक्निक के लिए हम यूज करेंगे लैपटॉप या फिर पीसी। तो दूसरा तरीका है अगर तुम्हारे पास है लैपटॉप या फिर पीसी। अब इसके लिए तुम्हें एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड करनी होगी जो की है वंडरशेयर डेमो क्रिएटर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप से एनिमेशन कैसे बनेगी अभी बताता हूँ, बस मुझे फॉलो करते जाओ। तुम्हें जाना है वंडरशेयर की वेबसाइट पर और डेमो क्रिएटर को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हम डेमो क्रिएटर पे जाएंगे, यहाँ पर कुछ तुम्हें ऐसा लेआउट देखने को मिलेगा। अब जैसे तुम इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा गेम रिकॉर्डर, वीडियो प्रेजेंटेशन, वीट्यूब रिकॉर्डर, वीडियो एडिटर। अब यहाँ पर दो मोड है जिससे तुम अपना एनिमेशन कैरेक्टर बना सकते हो। अभी के लिए तुम्हें अपने कैरेक्टर को बनाने के लिए करना है वीट्यूबर रिकॉर्डर पे क्लिक एंड ये अब तुम्हारे लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेआउट ले आएगा एंड तुम्हें राइट साइड में यहाँ पर एक अवतार अभी दिख भी रहा होगा जो यहाँ पर तुम्हारे साथ साथ मूव भी करेगा कुछ इस तरह। अभी ये कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी अजीब हो रही है क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है मेरे ऊपर, बट फिर भी ये अच्छे से ट्रैक कर पा रहा है। यहाँ पर तुम्हें ऊपर की तरफ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि फ्लिप कर सकते हो तुम अपने आप को, और मैं कहूँगा ये फ्लिप कर लो तुम एक बार, ये ऑप्शन यहाँ से इनेबल हो जाए इस तरह। और फिर उसके बाद तुम्हारा राइट इसका राइट रहेगा, तुम्हारा लेफ्ट इसका लेफ्ट रहेगा। तो इस तरह से तुम इजीली इसको एनिमेट कर सकते हो कैरेक्टर को। यहाँ पर भी हमारे पहले ऑप्शन की तरह ये हमारे फेस को ट्रैक कर रहा है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन से तुम अपने आप को हाइड कर सकते हो बट ये फिर भी तुम्हें ट्रैक करता रहेगा। तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जैसे कि ये लड़के वाला और ये फिर एक लड़की का कैरेक्टर, मतलब यहाँ तुम्हें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें से तुम चूज कर सकते हो। उसके बाद हम इस चीज को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाना है मैं अपने फोर्थ ऑप्शन बैकग्राउंड पर और इसके पीछे मैं एक बैकग्राउंड चूज कर लूंगा जैसे कि ग्रीन स्क्रीन एंड अब तुम्हारी स्क्रीन ग्रीन हो जाएगी। और इस कैरेक्टर को तुम क्लिक करके इसके ऊपर इसको भी साइज बड़ा कर सकते हो और इसको कहीं भी ला सकते हो इस तरह। अब ये तुम्हारा रिकॉर्ड होता रहेगा तुम्हारे मूवमेंट्स के साथ इस तरह से, और ये लिप सिंक भी करता है, बस तुम्हें थोड़ा सा कैमरा के क्लोज जाना पड़ेगा। अरे मुझे गिरफ्तार मत करो, रहने दो, मैंने कुछ नहीं किया। तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग। और फिर तुम यहाँ से अपना रिकॉर्ड बटन दबा कर इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद तुम किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाओ और ये ग्रीन स्क्रीन वहाँ पर रिमूव कर सकते हो और अपना बैकग्राउंड डाल सकते हो। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम इसी के बैकग्राउंड यूज करो तो तुम्हें यहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड्स पहले से ही मिलते हैं जैसे कि ये क्लासरूम वाला, तुम यहाँ पर टीचर बन सकते हो पढ़ाने वाले यहाँ ऐसे, या फिर तुम किसी बुक स्टोर में जा सकते हो ऐसे, या फिर तुम कहीं आउटडोर जा सकते हो ऐसे, या फिर तुम अपने गेमिंग सेटअप पे बैठकर इस तरह से वीडियो बना सकते हो। ये हो गया इसका पहला ऑप्शन। अगर तुम्हें चाहिए
तुम्हारा फुल बॉडी अवतार, तो वो भी इसमें तुम कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें जाना होगा इसके बराबर वाले ऑप्शन पे जो कि है वीडियो प्रेजेंटेशन। इस तरह से वैसे तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप के लिए बना है कि तुम स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, बट हम यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से यूज करेंगे। ये यहाँ पर अभी अपने AI को रिकॉग्नाइज करके बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है मेरा, बट यहाँ से एड पे जाके तुम एड मीडिया करके यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला लगा दिया एंड इस तरह। उसके बाद तुम्हें जाना है अवतार पे और यहाँ पर ये तुम्हारा अवतार ला देगा, तुम इसको मिरर कर लो। अब ये तुम्हारा लेफ्ट, इसका लेफ्ट रहेगा। अब ये सब तुम्हें वहां पर भी कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर तुम इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे फुल बॉडी, तो ये इसकी फुल बॉडी आ जाएगी और अब तुम यहाँ पर अपने आप को एनिमेट कर सकते हो या फिर बोल सकते हो, कुछ भी, इजी ना। और इसको तुम कहीं भी मूव कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा डेमो एंड रिकॉर्ड, यहाँ से रिकॉर्ड करो। और अभी मैंने ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड लगाया, तुम यहाँ पर अभी ग्रीन स्क्रीन को यूज करके इजिली उसको भी इरेज कर सकते हो बैकग्राउंड में से, एंड तुम इसको चाहो कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हो इस तरह। और यहाँ पर भी तुम इजिली बैकग्राउंड लगा सकते हो अपने हिसाब से, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये है बहुत ही इजी एनिमेशन टेक्निक्स। अब इस मेथड को यूज करके तुम वो क्वालिटी एनिमेशन तो नहीं बना सकते हो, बट यहाँ पर जरूर तुम्हें इफेक्टिव वे मिल जाएगा जिससे तुम इजिली और जल्दी एनिमेशन बना सकते हो कैरेक्टर को यूज करके। और आई थिंक 80% यूजर्स को कुछ इसी तरह का एनिमेशन कैरेक्टर चाहिए जो वो अपनी गेम स्ट्रीम्स के या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साइड में लगा सके। बट डेमो क्रिएटर का मुझे ये फीचर बहुत ही अच्छा लगा और मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद बहुत लोगों को ये ना पता हो और बहुत लोग इसे यूज ना करते हो, तो अगर तुम्हें बनाना है अपने आप को एक कैरेक्टर तो इन दोनों टेक्निक्स में से तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास फोन है तो पहली टेक्निक, अगर तुम्हारे पास PC या फिर लैपटॉप है तो सेकंड टेक्निक। और इस वीडियो को ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी ये ट्रिक्स जान पाए। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।